जरूरत थी वो पूरी होगी तो उसको वापस ले आए। मतलब फैसला पहले हो चुका था कि इनको उन्होंने बनाना है चीफ मिनिस्टर सूबे का, लेकिन हुआ ये कि जब एजेंसियां किसी को बनाती हैं तो उसको इतना मजबूत भी तो करें। वो पहले दिन उसके पीछे को दूसरा मेंबर पड़ जाता है कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, वो 75% उसका वक्त तो लग जाता है अपनी कुर्सी बचाने में। अपनी कुर्सी बचाए या सिंध के लिए कुछ बेहतर काम करें। हमारे तालीमी इदारे तबाह हो रहे हैं, हमारी अस्पतालें तबाह हो रही हैं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है पहले से बदतरीन होता जा रहा है, चोरियां बढ़ गई हैं, डाके बढ़ गए हैं। कराची में क्या सिचुएशन है? वही कारें जो पहले 10 छिनती थी आज बेचने जा रही हैं। हालात तो पहले से बदतर हैं, तो हमें तो खुशी से कबूल करना चाहिए ना कि हालात खराब हैं। जब तक हम तस्लीम ही नहीं करेंगे तो बेहतरी की कैसी उम्मीद होगी? अब फिर मेहर साहब चले गए तो ऊपर से फिर अरबाब साहब आ गए, अरबाब साहब आ गए तो अब वो पहले गेरअप हुए नहीं थे अभी, तो एक अजीब किस्म का कैओस शुरू हो गया है। उन्होंने इम्तियाज साहब को हटा दिया। इम्तियाज साहब वो आदमी थे जो एसडीए के रूए रवां थे, उस वक्त वो एजेंसियों के टॉप फेवरेट थे।